गरीब व असहाय परिवारों की बेटियों की शादी का बेड़ा जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है, हर साल कई हजार जोड़ों का सामूहिक विवाह कराकर एक मिसाल पेश करती है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत से भाजपा से अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा ने अपने नगर पंचायत क्षेत्र के 5 ऐसे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई, जिसमें एक बेटी ऐसी थी जिसके सर पर ना तो पिता का साया था और ना ही माँ का साया। उसका सहारा बन पूरे रीति रिवाज से शादी के सामान, जीवन यापन के सारे सामान के साथ अपने निजी खर्च पर सामूहिक विवाह कराकर एक मिसाल पेश की है, जिसकी सराहना दुल्हन बनी बेटी व दूल्हे दोनों कर रहे हैं। सुनिए, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, इस बात का हमको दुख है, लेकिन जो हमारी सहायता कर रहे हैं राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा, उनको हम बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि वो हम लोगों का सहायता किए और गाजे बाजे के साथ में, पूरे व्यवस्था के साथ में मेरी शादी करवा रहे हैं। और मेरे मम्मी और पापा समझिए वही हैं, मेरी शादी हो रही है इस बात, तो घर पे मेरे कोई नहीं है, समझे हैं तो बहुत लोग, लेकिन मेरी कोई सहायता नहीं करने वाला है ना, और जो सहायता करता है वो भगवान की तरह होता है, तो कालिया बाबा का भगवान की तरह है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि उनका जो है अपना कार्यक्रम एक अपना समाज सेवा के लिए, देश समाज सेवा के लिए कर रहे हैं वो। और जैसे ये अपना दहेज प्रथा का है कि उसमें क्या है, लड़की वाले परेशान होते हैं, उनको सामान देने को उनको नहीं हो पाता है, खाने पिलाने का ऐसा नहीं व्यवस्था हो पाता, उनके पास पैसे की कमी होती है, आर्थिक व्यवस्था उनका नहीं सही रहता है। और ऐसा लड़के वालों को भी ऐसा है कि उनके भी पास प्रॉपर्टी इतना नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है उनको भी, तो इसके लिए उन्होंने इस सब चीज़ को समाज को देख के उन्होंने सबको एक साथ मिला के सबको एक संदेश दिया है कि सब एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद करके, और भी कोई समाज सेवा वाले हैं जो मिलके साथ में ये समाज को सेवा में लगाएं। और ऐसे में क्या जाता है कि दहेज प्रथा के लिए लोगों को शांति मिलती है कि कोई प्रेशर नहीं होता है, जिसके माँ बाप हैं लड़की वाले हैं लड़के वाले हैं तो उनको अच्छा लगता है कि चलो उनका सपोर्ट रहा और किसी का सपोर्ट रहा, इससे मिलके हमारा शादी हो गया, लड़की लड़का खुश है, गाँव वाले समाज वाले सब देखेंगे तो उनको एक संदेश जाएगा कि हाँ, इन्होंने कालिया बाबा ने, राजेश अवस्थी ने अच्छा काम किया है, ऐसे और लोग भी आगे बढ़ेंगे। राजेश अवस्थी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं और उन गरीब परिवारों से मिलता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। इस पर और जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी तो फिलहाल 5 जोड़ों का हो रहा है, आज 11 जोड़ा हम लोग घोषणा किए थे करवाएंगे, लेकिन अब जब कोई नहीं बुक कराया, फेसबुक द्वारा यूट्यूब द्वारा सब द्वारा हम लोग जागरूक भी किए कि आप लोग संपर्क करिए, तो नहीं किए। अभी हिंदू मुस्लिम सब के लिए योजना था कि मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, हिंदू का होगा तो रात का रात रहेगा, मुस्लिम का है तो दिन का, उनका अलग से हो। आपके निजी धन से हो रहा है या सरकार के सहयोग से कैसे? हम लोग की टीम द्वारा, हम लोग जब आपस में क्षेत्र में निकलते हैं तो बहुत से गरीब लोग मिले, भाई हमारा मदद कर दीजिए, बाबा हमारा मदद कर दीजिए, तो हम लोग बात किए, फिर चाचा से अपने फ़ोन के बताए कि ऐसी ऐसी समस्या है, 2-4 लड़कियों के माँ बाप भी नहीं है, जो इसमें शादी हो रहा हमारे में उनके माँ बाप भी नहीं है बच्चियों के, तो हम लोग सोचे लाओ ऐसा खुद ना कर दिया जाए दान से, अच्छा हम खुद अपने बहन बेटी की तरह हम लोग सिस्टम बनाए कि हम लोग खुद कर देंगे इनकी शादी, ये मैं थोड़ा सही बोला, इसलिए जब क्षेत्र में हम लोग निकले कि चलिए संपर्क किया जाए। अब राजेश अवस्थी उर्फ कालिया बाबा को सब जानते हैं कि नगर पंचायत भी इसको घर से 6 महीने भी लड़े हम लोग, तो क्षेत्र में जब जाते हैं भाई तो जनता लोग कहते हैं कि हमारा भैया मदद करिए, इस लड़की के माँ बाप नहीं है, इनका शादी कहीं करवाना है, तो हम लोग सोचे कि लाओ हम खुद अपने मंदिर पर, जबकि ये मंदिर भी हम लोग चाचा जी ने ही बनवाए हमारे, तो हम लोग सोचे कि लाओ आपस में टीम द्वारा 10 लोग मिलके, जैसे साधु अवस्थी हैं और बुधई गुप्ता हैं और ये हैं श्रीवास्तव जी हैं, पंडित जी हैं हमारे फूलपुर के। तो ये थी सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता अमीन फारूकी की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जंगल के साथ।